वेलकम बैक गाइस। आज मुझे इस प्रिजन से एस्केप करना होगा और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने का चैलेंज और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। चलो ठीक है, नीचे आ चुके हैं, जंप करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ भी पहुँच चुके हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ऑल राइट, ये रहा बटन, दबाते हैं। दबा दिया, सामने आयरन प्लेट खुल के आ चुका है। अब हम लोग अच्छी तरीके से जंप करके यहाँ भी आ चुके हैं। रिंच चाहिए, ले लिया रिंच। इसे मारने का प्रयास किया लेकिन ये भाग गया। चलो कोई ना, इसे मैं फाइट करूंगा इसे। ये ले, ये भी मुझसे फाइट कर रहा है और मैं भी इसे फाइट करूंगा। ये ले, ओके, काफ़ी अच्छा खासा उसने भी मुझे डैमेज दिया और मैंने भी डैमेज दे दिया, लेकिन मैं इसे किल करके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। ऑल राइट, मैं भी थोड़ा बचा हूं और उसे कर दिया पूरी तरीके से फिनिश। सामने बेरी ने मुझे देख लिया, बटन दबा दिया, भागना पड़ेगा। अगर बेरी ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे एक ही झटके में किल कर देगा, इसीलिए जल्दी से मुझे इससे दूर भागना पड़ेगा। और यह कैरेक्टर मुझे मारने के लिए आ रहा है जिसे मैंने अभी तुरंत किल किया था, ये मेरे पीछे आ रहा है किल करने के लिए, और साथ में बेरी भी मेरे पीछे। भागना पड़ेगा, सामने राइट साइड में मुझे जंप करना पड़ेगा। तो गाइस, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने जंप करा। अब चलेंगे सिंगल पाइप पर, और सामने डबल पाइप है तो हम लोग एक काम करेंगे, डबल पाइप पर चलते हैं ना फटाफट से। तो गाइस, हम लोग सेफली तरीके से आ गए। सामने टनल है तो डायरेक्ट जाएंगे टनल में। तो हम लोग यहाँ भी आ गए, इसके बाद नीचे भी आ चुके हैं। इसे ओपन करना पड़ेगा, ओपन करा, अब आगे चलते हैं। ऑल राइट, ये रहा साहब, इसकी मदद से हम लोगों ने सुरंग बना स्टार्ट कर दिया, बन भी गया सुरंग। चलो ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो स्टोन का पिलर है, तो हमें जंप करके काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ना होगा। ब्रिज है, इसे भी मैं फटाफट से पार कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बहुत सही है मैन, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने पार करा। इसके बाद मुझे आगे बढ़ना होगा, और यहाँ पर नीचे देख सकते हो काफ़ी खतरनाक सा ट्रैप है, इसीलिए इससे बचते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे एक गोला आता है, काफ़ी डेंजरस गोला है, अगर मैं इसकी चपेट में आ गया ना तो एक ही झटके मुझे सपाट बना देगा, किल कर देगा, इसीलिए हमें सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। रुक रुक कर जाएंगे, जैसे यहाँ भी स्टे करने का जगह है, स्टे किया, फिर आएगा गोला, आया और ये गोला चला गया। अब हम भी आगे बढ़ते फटाफट से, और ये रहा वुडन का लेडर, और इसकी मदद से फटाफट से ऊपर चलेंगे। तो गाइस, हम लोग सेफली तरीके से यहाँ भी आ चुके हैं, अब यहाँ से आगे जाना होगा हमें। चलो ठीक है, ये रहा व्हील, घुमाते फटाफट से, घुमा दिया, और यहाँ पर देख सकते हो बेरी मेरे पीछे पड़ चुका है, जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा। चलो ठीक है, देख सकते हो मेरे पीछे आ रहा है बेरी, अब यहाँ से मुझे जाना होगा इसके ऊपर, चलते फटाफट से। अरे नहीं यार, गलती से मैं पहली बार नीचे गिरा हूँ। चलो कोई ना, अब मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा है, अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ओके, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जंप करके इसके ऊपर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ भी आ गए सेफली तरीके से, आगे बढ़ते फटाफट से, और हम लोग कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। चलो ठीक है, यहाँ भी पहुँच गए, इसके बाद ऊपर भी आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर, अब यहाँ से हम लोग को आगे जाना होगा। और ये रहा लेफ्ट, व्हील घुमाते हैं, व्हील घुमा दिया, हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहे हैं, हमें थोड़ा वेट कर लेना है। तब तक आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सामने वेंडिंग मशीन है, इस बटन को दबाएंगे, दबा दिया, ड्रिंक निकला, ड्रिंक के को मैंने कैच करा, इसे मारता हूँ। ये ले, थोड़ा सा डैमेज दे दिया लेकिन ये भाग रहा है। चलो कोई ना, हम भी इसके पीछे चलते हैं अच्छी तरीके से, और वो काफ़ी तेज़ तरीके से निकल रहा है। चलो कोई ना, मैं इसे तो बीट करके, मतलब करके ही मानूंगा, इसे मैं पीछे करके ही मानूंगा। और हम लोग काफ़ी सही तरीके से जंप करते हुए जा रहे हैं। चलो ठीक है मैन, ओके, बस कुछ और बचा है। ऑल राइट, वो कैरेक्टर नीचे गिर गया लेकिन हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पार कर चुके हैं, अब इसके ऊपर चलेंगे। यहाँ एक और आयरन का लेडर है, इसका भी यूज़ कर लेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलो ठीक है गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच गए, ये रहा स्टोरेज रूम, और मैंने लीवर जैसे पुल डाउन करा डोर ओपन हो गया, तो ये रहा लेडर। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे ले जाकर सही जगह हमें ड्रॉप करना होगा, बराबर चलते हैं, और इसे हम लोग यहाँ पर स्टे कर देते हैं। चलो गाइस, स्टे किया, नहीं गलत लग गया, चलो कोई ना, यहाँ पर और भी कैरेक्टर है जो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। चलो कोई ना, अब सीधा ओपन करके हम लोग इसके ऊपर जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलो ठीक है, और ये कैरेक्टर मुझसे आगे जा रही है, बट कोई ना, इससे आगे तो मैं ही निकलूँगा, और उस कैरेक्टर को मैंने बीट कर दिया है। सही तरीके से जाना होगा, यहाँ सामने देख सकते हो एयर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और यहाँ दोनों तरफ ट्रैप भी है, तो संभल के। ऑल राइट गाइस, ऊपर चलते हैं फटाफट से, यहाँ भी आ गए, दिक्कत वाली कोई सीन नहीं है। अब सामने पाइप पर हमें जंप करना होगा, और हम वही कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से जंप करते हुए जा रहे हैं। इसके बाद हमें ऊपर जाना होगा,
ऊपर भी आ चुके हैं। अब मुझे इन सारे पाइप को अच्छी तरीके से पार करना होगा, कुछ इस तरीके से। तीन पाइप और बचा है, इसे भी पार कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, ऊपर आ चुके हैं। अब मुझे तीनों पाइप का एयर बंद करना होगा, तभी हम लोग आगे जा पाएंगे, नहीं तो आगे जाना नामुमकिन है। ये रहा व्हील, घुमा दिया। अब यहाँ से आगे चलते फटाफट से, कुछ इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। अब जाएंगे सेकंड पाइप को बंद करने के लिए। ये रहा लेफ्ट साइड में व्हील, ठीक मेरे सामने। इसे क्लोज़ करेंगे, इसे भी क्लोज़ करके बंद कर दिया। अब आगे चलते हैं। दो एयर को तो मैं बंद कर चुका हूँ, अब लास्ट का पाइप बचा हुआ है, उसे भी बंद करना होगा। इसके लिए ऊपर जाना होगा, क्योंकि व्हील भी ऊपर ही है। सामने देख सकते हो, सिर्फ एक ही पाइप में से एयर निकल रहा है, उसका व्हील। ये रहा, घुमा दिया और वो भी क्लोज़ हो चुका है। अब हमें अच्छी तरीके से आगे बढ़ना होगा, और मैं वही कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ भी पहुँच गए, जंप किया, उसके बाद यहाँ भी आ गए। सामने टनल है, हमें टनल के अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस, हम लोगों ने सेफली तरीके से अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग नीचे भी आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हो पीछे से एयर प्रेशर हमें पुश कर रहा है, और हमें अच्छी तरीके से पास करते हुए, मतलब पार करते हुए जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब ये सबसे लास्ट स्टेप है, इसे भी मैं फटाफट से पार कर लेता हूँ। ओके ना, ऑलराइट, पार कर लिया। ये रहा आयरन का लेडर, और ये मुझे अच्छी तरीके से ऊपर लेके जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ मुझे जंप करके सामने टनल में जाना होगा। हाईली तरीके से जंप किया और डायरेक्ट आ चुके हैं टनल में। अब यहाँ से आगे चलेंगे नीचे, तो हम लोग नीचे भी आ गए। सामने कैफेटेरिया है, तो गाइस हम लोग कैफेटेरिया के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पर एक गेरी द सेफ है, और इसे फिनिश करना होगा। सामने वेपन है, ओके, फटाफट चलते वेपन लेते हैं। ऑलराइट गाइस, ये रहा वेपन, तो मैंने ले लिया है। मेरे पीछे ये गेरी द सेफ है, इसे फिनिश करना पड़ेगा पूरी तरीके से। इसके HP मैंने आधा कर दिया है, थोड़ा ही बचा है। ऑलराइट गाइस, ये गेरी द सेफ डिस्ट्रॉय हो गया है। अब हम लोग इस रास्ते से निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो चलो फटाफट चलते। यहाँ पे कैरेक्टर इसे मारने का प्रयास करते हैं, ये भी भाग गया। चलो कोई ना, हम भी चलते हैं नीचे फटाफट से। स्क्रॉल होंगे, स्क्रॉल होने के बाद एक हाली जंप किया और यहाँ सेफली तरीके से लैंड किए। अब आगे चलते इसे मारने का ट्राई करते हैं। ओके ओके, कैसे मारे समझ नहीं आ रहा, इसे कैसे मारे कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई ना गाइस, ऑलराइट, ये डैमेज दे रहा हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन ये भाग रहा है। गन से मैं इसे डैमेज तो दे रहा हूँ, लेकिन ये भाग रहा है। चलो कोई ना, हम भी चलते फटाफट से। गन की मदद से हम लोग लॉन्ग रेंज में भी फाइट करके किसी भी कैरेक्टर को किल कर सकते हैं पूरी तरीके से। अपडेट के बाद तो पूरी तरीके से चेंज ही हो गया सीन। अब ऊपर चलते हैं, सामने देख सकते हो लेजर है, मुझे सारे लेजर को बीट करना होगा। पहला लेजर को बीट कर अब चलते सेकेंड लेजर की तरफ। तो गाइस, इसे भी मैंने बीट कर दिया, अब चलेंगे नेक्स्ट में। इसे भी बीट कर दिया, अब लास्ट का लेजर बचा हुआ है, फोर्थ लेजर, इसे बीट करते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने इसे भी पार कर लिया और यहाँ सेफली तरीके से लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना होगा। ओके, इसके ऊपर चलते हैं क्योंकि मुझे प्लैंक्स चाहिए। ऑलराइट, प्लैंक्स लेते हैं और इसे नीचे सही तरीके से ड्रॉप करेंगे। यहाँ एक कैरेक्टर इसे मारने का प्रयास करेंगे। क्या मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं ये तो नीचे गिर गया। चलो कोई ना, दोबारा से प्लैंक्स लाते हैं और उस कैरेक्टर को किल करते हैं। हमारे पास वेपन है, ये ले, इसे डैमेज दूंगा, ये ले, बच गया, ये ले। ऑलराइट, इस बार लगा काफ़ी अच्छी तरीके से। वो भी मुझे डैमेज देगा, और उसने भी मुझे डैमेज देना शुरू कर दिया, बट कोई ना, हमें मूवमेंट स्पीड पूरी तरीके से बना के रखना है गाइस। ये ले, बस थोड़ा ही मैं बचा हूँ। तो गाइस, मैं मतलब ये मुझे किल करता उससे पहले मैंने इसे निपटा दिया। अब प्लैंक्स को यहाँ रख दिया, ब्रिज बनाकर यूज़ करेंगे, फिर से उठाते हैं और यहाँ ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करा, अब चलेंगे सबसे लास्ट फाइट की तरफ। सामने वाले वेरी को हम तक पहुँचने का मौका तक नहीं देंगे, इसका दोनों हैंड में डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ये ले। और मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से डैमेज दे रहा हूँ बिना किसी दिक्कत के। इसका एक हैंड चला गया है, अब लास्ट का एक हैंड बचा है, इसे भी डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ओके, तो गाइस, इसका दोनों हैंड डिस्ट्रॉय हो गया है, थोड़ा वेट करना होगा। ये डिस्ट्रॉय जैसे हुआ, सामने गैराज का भी डोर ओपन हो चुका है, सामने व्हीकल है, और व्हीकल लेकर हम लोग चलते फटाफट से अंदर। चलते गाइस, अंदर बैठ चुके हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से चलते हैं। ऑलराइट, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।